देश में काफी समय से चल रही उठापटक के बाद आखिरकार 20 जुलाई को भारी मतों से जीत हासिल करके रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति बन गए। जब से एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद का नाम सुझाया था, वो तब से ही लोगों की नज़र में आ गए थे। इससे पहले वो लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। 20 जुलाई को आए चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद रामनाथ कोविंद भारी मतों से विजय हुए। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई को देश के राष्ट्रपति बनने की शपथ ली। रामनाथ कोविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक छोटे से गांव से हैं। रामनाथ कोविंद को टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 25 जुलाई को उनकी शपथ लेने के साथ ही अब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल शुरू हो गया है। राष्ट्रपति देश का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान होते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के इंतजाम भी उनकी शख्सियत के हिसाब से होते हैं। तो आज हम आपको उनकी खास और ताकतवर कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे राष्ट्रपति चलेंगे। भारत के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में जिस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे उसकी खासियतें जानकर आपके भी पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। भारत के राष्ट्रपति की यह गाड़ी दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित गाड़ी है। अगर जरूरत पड़े तो इसको अभेद्य किले के रूप में भी रूपांतरित किया जा सकता है। S600 कार मर्सिडीज बेंज गार्ड कार की रेंज में आती है। यह कार सिर्फ अलग अलग देश के राष्ट्र प्रमुख या कुछ खास सुरक्षा प्राप्त लोगों को ही दी जाती है। इस कार का जैसा नाम है, यह कार उससे भी ज्यादा धाकड़ है। यह कार आम कारों की तरह नहीं है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि इस कार को बनाने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लगता है, तब जाकर कहीं यह कार तैयार की जाती है। बता दें कि इस गाड़ी का इस्तेमाल इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस्तेमाल करते थे। राष्ट्रपति की इस गाड़ी को एक खास प्रकार के स्टील से बनाया गया है। यह कार दुनिया में मौजूद सभी गाड़ियों में से सबसे ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित है। यह गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और किसी भी तरह के हमले को झेलने में सक्षम है। बम, ग्रेनेड, फायर, ऐसे किसी भी तरह के हमले का इस गाड़ी पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। इस कार में सैटेलाइट से सीधा कनेक्शन है। इस कार में 12 सिलेंडर का स्मूथ ड्राइविंग का इंजन लगा है और यह 835 मिनट टॉर्क के साथ साथ 517 हॉर्स पावर की ताकत भी पैदा करता है। इतनी ज्यादा शक्ति के साथ यह अद्भुत कार खतरा होने की स्थिति में चंद सेकेंड में हवा की रफ्तार पकड़ लेती है। इस गाड़ी का व्हील बेस 4123 मिलीमीटर है, जो इस गाड़ी को जमीन पर टिके रहने में सहायता करता है। अगर इस कार की मजबूती की बात करें तो S600 कार मर्सिडीज बेंज गार्ड रेंज की कार की टक्कर में कोई दूसरी कार नहीं है। इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और गाड़ी में इलेक्ट्रो ट्रांसपेरेंट पार्टीशन सिस्टम लगा हुआ है। पीछे बैठने वाले लोगों के लिए एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है। कार के पिछले हिस्से में एक दूसरे के आमने सामने 4 लोग बैठ सकते हैं। इस गाड़ी में ऑल राउंड विजन के लिए रोलर ब्लाइंड्स लगे होते हैं, जिसकी तकनीक से महज एक बटन दबाकर कार के शीशों को ऐसा किया जा सकते हैं जिससे कार में बैठे हुए शख्स को आर पार कुछ दिखाई नहीं देगा। कार के सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं, जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। सुरक्षा के मामले में यह कार सब गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। इसमें 2 स्टेज एयरबैग लगे हुए हैं, साथ में सभी सीटों पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट लगाई गई है। कार के फ्यूल टैंक में खास प्रोटेक्शन वाला सिस्टम लगा है। असुरक्षा की स्थिति में राष्ट्रपति की इस कार का एक बटन दबाकर, जिसको पैनिक बटन भी कहा जाता है, इस बटन को दबाने से यह कार अभेद्य किले के रूप में बदल जाती है और जरूरी जगहों पर अपने आप सिग्नल भेज देती है। कंपनी ने इस कार की कीमत 11 करोड़ 60 लाख रुपए तय की हुई है।